जो भी आ रहे हैं सबको अल्लाह को राजी करने के वास्ते आते हैं, बस किसी को दिखाने के वास्ते नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह के फजल करम से हमें होना तो पैसा देते नहीं, अल्लाह वॉलंटियर्स हैं जो रजाकार काम करते हैं उन्हें कुछ पेमेंट वगैरह दी जाती है। एक रुपए का पेमेंट नहीं, किसको भी अगर पेमेंट दे रहा तो वो हमारे सामने ये करोगा ना, एक रुपए का किसी को पेमेंट नहीं, अपनी जात से घर में होना तो उन्हें कम से कम ये करेंगे, यहाँ हाजी के वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार 24/7। जहाँ ये तुम्हें टीम देख रही पूरे 24/7 रात आंगी नींद नहीं, दिन का चैन नहीं, क्योंकि हर एक का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर अपने वक्त को फारिग कर अपने जान माल अपना खर्च करके आते हैं। यहाँ पर कोई एक रुपया किसी को मुआवजा नहीं मिलता। अगर कोई कहे कि मुआवजा मिल रहा है तो वो हमें सबूत दिखाए कि कौन मुआवजा दे रहा है, कोई मुआवजा नहीं है। अपनी खिदमत आखिरत के लिए कर रहे हैं, ये दुनिया का नहीं है, दुनिया दारा जो किसी का जो किसी का कुछ लेना देना नहीं है, काम ये लेके पैसे लेके करो ये लेके करो ऐसा कुछ नहीं है, बस अल्लाह को राजी करना है, बस हाजियों की दुआ लेना है, वही हमारा मकसद है। एकदम बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन और करोड़पति आए ऐसा कोई ये नहीं, और हो सकता हमें यहाँ खाना खाते या नहीं खाते वो अलग बात होती है, मगर दुआ तो जरूर मिलते सब, दुआ से जिंदगी चल रही है सब, दुनिया और आखिरत दोनों, दुनिया और आखिरत माशाल्लाह बहुत जज्बा खुशी मिलती है हमारे। हम भी कामों में मशगूल रहते हैं, फिर भी हम काम सब छोड़ के आके हाजियों की खिदमत इधर करते हैं। हमारा मकसद क्या, बस अल्लाह राजी होना। हम यहाँ न पैसों के लिए आते हैं, न ही शोहरत के लिए, न ही नामो नमूद के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए और हाजियों की दुआओं के लिए। हर साल हम हज कैंप में आकर खिदमत अंजाम देते हैं। बेंगलुरु के हज भवन में दिन और रात बेलौस खिदमत करने वाले रजाकारों वॉलंटियर्स ने इन ख्यालात का इजहार किया। जी हां दोस्तों, हज वॉलंटियर्स ने कहा कि हाजियों की खिदमत में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आज़मीन हज हाजियों की दुआओं का सिला है कि उनकी निजी जिंदगी में तरक्की खुशहाली हो रही है, निजी जिंदगी में कामयाबियां व कामरानियां हासिल हो रही हैं। यही वजह है कि कई रजाकार और अब उनके बच्चे भी यहां पहुंचकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, हज वॉलंटियर्स के इन जज्बात को, इन एहसासात को सलाम। बेंगलुरु के हज वॉलंटियर्स की खिदमात की हर जानिब से तारीफ व सताइश की जा रही है। वजीर अकलियती बहबूद और हज बीजेड जमीर अहमद खान, वजीर हज रहीम खान, हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरी वाले, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान और दीगर अहदेदारों ने हज रजाकारों की, हज वॉलंटियर्स की खिदमात का एतराफ करते हुए कहा कि हर साल बेंगलुरु का हज कैंप वॉलंटियरों की दिन और रात खिदमत की वजह से कामयाब होता हुआ आ रहा है। इस पूरे हज ऑपरेशन में वॉलंटियर्स की खिदमात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। यही वजह है कि चंद एक कमी पेशियों के बावजूद बेंगलुरु के हज भवन में आज़मीन हज की बेहतर से बेहतर तरीके से खिदमत अंजाम दी जाती है। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात की खुशी हो रही है, कम से कम शुरू में तो नहीं पूछे आप लोग, आखिरी वक्त पे पूछ रहे हैं, जबकि आखिरी बस चले गई, इस वजह के बाद पूछ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी हो रही है, हमारा इदारा कर्नाटक का प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये इदारे से हम लोग जब से हज कैंप शुरू होता है उस वक्त से हम लोग काम करते हैं। हमारा काम मल्टीपल काम रहता है, लगेज बोर्डिंग पास इशू करते हैं,
और उसके साथ साथ लगेज के टैग डालते हैं और उसमें साथ में लगेज का पूरा जितना भी काम होता है उधर ख़त्म करके और पासपोर्ट में जितने भी पासपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट रहते हैं जैसा कि कार्ड रहता है वीज़ा कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड ये सब डालते हैं और इससे पहले हम लोग मेडिकल का कार्ड डालते हैं और इमिग्रेशन का कार्ड भी लिख कर डालते थे और इसके बाद हम लोग बैंक में काम करते थे। अब इस वक्त बैंक नहीं है, इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे काम करते और इसके साथ साथ कस्टम पे काम करते, कस्टम में इस तरीके से काम करते सब लोगों को बहुत आसान से हाजियों को पहले बुला के बिठा के और एहतरामंद हाजी का ख्याल रखते हुए हम लोग लबैक कहते हुए बस तक इंशाल्लाह रवाना करते। हमारा ग्रुप कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन जो सर हम लगभग 100 लोग हैं यहाँ पे, हम लोग 100 लोग 80 लोग से 100 लोग हम लोग यहाँ पे काम करते, मैं उसका 27 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और उसका भाई सदर हूँ। मेरा नाम बसीर अहमद खान है और मैं पेशे से वकील हूँ। ये मेरे साथी हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब, ये यहाँ के सेक्रेटरी हैं हमारे इदारे के। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुश्ताक साहब भी कुछ बात करें। अल्लाह को रजा करने के लिए बस ये इदारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है 27 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है, उसमें 2 साल जो है कोविड की वजह से जो खिदमत नहीं हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा जो है किसी का कुछ लेना देना नहीं है, काम ये लेके पैसे लेके करो ये लेके करो ऐसा कुछ नहीं है, बस अल्लाह को राजी करना है, बस हाजियों की दुआ लेना है, वही हमारा मकसद है। एक भी वॉलंटियर जो भी खिदमत कर रहा है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वो कम हैसियत में, ऐसा नहीं, ये दुआओं की बरकत से जो है करोड़ों में करोड़पति हो गए हैं लोग, कम हैसियत से आते हैं और करोड़पति बन के क्या खिदमत करते हैं। हाँ हम लोग, मैं बिजनेसमैन हूँ, हाँ आयरन स्टील है, आप दूसरे पेट्रोल पंप से हमारे साथियों के वो भी काम नाम छोड़ के जो बस खाली हाजी की दुआ के लिए हम लोग आते हैं और कोई दूसरा मकसद ही नहीं है, शो नहीं है, शराबा नहीं है और हुकूमत भी नहीं है, खाली सीधे साधे तरीके से खिदमत करना है। हम खादिम है, खादिम और हुज्जाज है समझो, बस हमारा मकसद ही वही है। हाँ सबको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, कैसे सबको लेकर चलते हैं हमारे दोनों जो है ना बड़े भाई हैं, हम लोग जो है सबको लेकर चलते हैं। हमारा इदारा जो है 24/7 चलता है, रात को 12 बजे जाओ लगेज का चलता रहा, रात को जाओ फिर वो वीजा कार्ड का चलता है, फिर सुबह में आओ कस्टम का चलता है। ये इदारा जो है 25 सालों से जो है चार जगह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहा है, बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी अल्लाह हमें इसका मौका अता फरमाए। हम लोग यहाँ जो 25 साल से काम कर रहे हैं, पूरी हमारी ग्रुप है KPO बोल के, हम लोग आके जब हाजी आता है तो उसका लगेज लेके आते हैं तो उसको वजन करते हैं, उसको चेक इन करते हैं, उसको टैगिंग करते हैं, उसके बाद में उसको फिर यहाँ पे बोर्डिंग, हम लोग बोर्डिंग और आने जाने की दोनों टिकट इशू करते हैं बोर्डिंग पास से। उसके बाद में जो ऊपर यहाँ कस्टम्स का काम रहता है, इसमें आके हमारी पूरी ग्रुप जितनी भी है, जो हमारे भाई हैं उस्ताद भाई, हमारे बशीर भाई, दूसरे साथी, हम पूरे मिलकर हम लोग हाजीज को यहाँ चेयर पे बिठाते हैं, उनका पासपोर्ट जाने की टिकट वगैरह उसके अंदर रखते हैं, उसके अंदर प्रॉपर वे से कैसा करना है वो करके उसके बाद में हाजियों को यहाँ से शिफ्ट वाइज काम करते हैं, 24/7 करते हैं, उसके अंदर आके हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पूरे वॉलंटियर्स अराउंड 70 हैं, उसमें हम लोग हम लोग उसमें डिवाइड कर लेते हैं। हाँ और रात दिन, हाँ कितनी खुशी होती है आपको? नहीं, अल्लाह 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 हमको मौका दिया, हम लोग जो भी आ रहे हैं सबको अल्लाह को राजी करने के वास्ते आते हैं, बस किसी को दिखाने के वास्ते नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह के हमें होना तो पैसा देते, नहीं अल्लाह, नहीं अल्लाह के दुआ, नहीं अल्लाह के फजल करम से पूरी हमारे आखिरत के वास्ते आती, ऐसा नहीं है कि पैसा किसके वास्ते, किसी को दिखाने के वास्ते क्या भी नहीं है। जो भी हमारी ग्रुप आते वो अल्लाह को राजी करने के वास्ते आती, सेहत के लिए पूरे सॉफ्टवेयर कंपनियों के, सॉफ्टवेयर कंपनी के इंजीनियर है इसके अंदर, इसके अंदर ग्रुप में क्या IT प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, हमारे बशीर भाई लायर है और बाप बेटे हैं, ये लोग पूरा शहर जानता है माशाल्लाह जी। बताइए सर, जब से कैंप हज कैंप शुरू हुआ है तब से आप खिदमत कर रहे हैं? नहीं, हम लोग आपकी दूसरी नस्ल भी यहाँ पर आई है। बस दुआ करो, इस दुआ से चल जा रहा और दुआ से के बजाय और कुछ नहीं रहता। यहाँ पे बाप भी है और बेटा भी है,
ये मेरे फर्जंद है, ये भी LLB कर रहे हैं इंशाल्लाह, अन करीब ये भी वकील बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये यहाँ पे बड़ा भी है छोटा भी है, हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। ये कोई छोटा बच्चा है, ये कोई बड़ा है, ये भी नहीं, ये भी बाप बेटे हैं हम लोग, ये भी और एक है दूसरे साथी हैं, वो भी बाप बेटे हैं, मतलब ये हमारा खानदान से चला आना, और दूसरे जितने भी छोटे साथी हैं उनको शफकत की नज़र से भी देखना, ये एज ए लीडर होते हुए मेरा फर्ज भी बनता है शफकत की नज़र भी देखना, और जो हमारे बड़े साथी हैं उनको एहतराम भी करना, उनका एहतराम भी करना। और मेरे साथ में ये मेरा भतीजा है पीछे वाला, तो ये जितने भी साथी हैं फर्दन फर्दन छोटे और बड़े, ये जो हैं ये तीसरे हैं, इनकी नस्ल से तीन लोग इधर काम करते थे हमारे साथी, इनके बड़े भाई, छोटे भाई और ये तीसरे हैं, और हमारे मुजीब साहब मुख्तार, मुजीब साहब हमारे वलीबा, और जितने भी बड़े बड़े साथी आए उन लोगों का फर्दन फर्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है अगले साल हो ना हो, कम से कम दुआ तो रहे, और हाजियों की खिदमत करते करते मैं खुद खुश नहीं था, आज अल्लाह ताला बहुत आला मकाम पहुंचाया मुझे, उनसे कम से कम बेंगलुरु में लायर बशीर बोले तो हर कोई पहचानता है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, हाजियों की दुआ है, ये हाजियों की दुआ है भाई। अब जितने भी साथी हैं अल्लाह के फजल से, एक सेकेंड, अल्लाह के फजल से एकदम IT इंजीनियर से ही IT इंजीनियर है, और साथ साथ HR IT में रेगुलर काम करने वाले, और एकदम बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन, और करोड़पति आए ऐसा कोई ये नहीं, और हो सकता हमें यहाँ खाना खाती या नहीं खाते वो अलग बात होती है, मगर दुआ तो जरूर मिलते सब, दुआ से जिंदगी चल रही है सब, दुनिया और आखिरत दोनों, दुनिया और आखिरत, और ऐसा कोई हाजी नहीं कि बगैर दुआ के हम ना जाने, हक हक की बात कर रहा हूँ, हर हाजी दुआ के साथ जा रहे हैं साहब। शुक्रिया जजाकल्ला साहब। आपके ग्रुप का क्या नाम है और आपकी क्या खिदमत है? हमारा ग्रुप का नाम इंडियन ग्रुप है, और मेरा नाम है नयाज अहमद। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमें ग्रुप से, हम एक पांच भाई अमीन, नसीम, मुबारक, शीराज, जबी, ये पांचों मिलके हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। फ्रूट का इंतज़ाम हमारे पांच भाइयों की तरफ से है। माशाल्लाह हमें एक खुशी होती है हाजियों की खिदमत करने से और उनकी दुआ मिलती है करके, इसलिए हमें फुल जोश और जज्बे के साथ ये खिदमत को अंजाम दे रहे हर साल की तरह इस साल भी। माशाल्लाह ये हज कैंप जब से इधर में ओपन हुआ उसके जब से हम लगातार हर एक साल करते आ रहे हैं, बीच में कोविड की वजह से दो साल नहीं किए, और उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हर साल बस हमारे को, हम तो कोई सियासत में नहीं है, बस हम हाजियों की दुआ लेंगे करके ये खिदमत करें, उनका सवाब और उनकी दुआ बहुत माशाल्लाह, ये उनकी दुआ लेने से बहुत हमारे को खुशी होती है बस। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह का तो नहीं, क्यों तो सुबह में हमें थोड़ा जिम किया है, आदमी लोग कम होने की वजह से शाम में पूरा मजमा आता है, तो पूरे मजमे को और ये जो वॉलंटियर्स थे इधर में उनको भी और हाजियों को भी फ्रूट का इंतजाम किया है। माशाल्लाह शाम में एक 700 से 800 या 1000 भी होते हैं, 1200 भी होते हैं, कितने भी आते हैं माशाल्लाह हर एक आदमी को फ्रूट मिलता है हर दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 जून से चालू हुआ और आज 20 पे 2 जून, 6 से 20 पे 2 जून तक हर एक दिन हर एक हाजी को हमारा फ्रूट का फ्रूट जी माशाल्लाह बहुत जज्बा खुशी मिलती है। हमारे हम भी कामों में मशगूल रहते हैं, फिर भी हम काम सब छोड़ के आके हाजियों की खिदमत इधर करते हैं। किसका खर्च कौन बर्दाश्त करता है? खर्च अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडियन ग्रुप है ना, हमारे पांच भाई अभी जो नाम लिया मैं वो पांच भाई ही करते हैं, मैं हमारे मुबारक, शीराज, उधर में एक दो अमीन भाई, हमारा अमीन भाई माशाल्लाह इनका तो इन्हों तो इधर ही रह गए 20 पे 2 दिन से, और नसीम भाई अपने पाँच भाइयों के पैसे से किसी से एक पैसा नहीं है, बस हमारे पाँच भाई का पैसा इसमें लग रहा है, बस हाजियों की दुआ के लिए हम हमारे गांव से कमा के इसमें खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सबसे हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ आ जाएंगी खिदमत, हाजियों की खिदमत। हर साल भी हमें फ्रूट का इंतज़ाम हाजियों के लिए और वॉलंटियर के लिए, यहाँ जितना भी स्टाफ है सबके लिए हाजियों फ्रूट का इंतज़ाम हमें करको ही। हमारी खिदमत जब से हजबोन ओपन हुआ, जब से हमें खिदमत अंजाम दे लोग आते रहती, इंशाल्लाह जब तक हमारे जान रहेगी जब तक हम खिदमत देते आते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी मसला आएगा हम बोलते भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो दो 300 या 350 लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत तुलमाए कराम की भी मेहनत है और सबसे पहले हमारे पीसेट समीर अहमद खान साहब की बहुत मेहनत है इसमें, क्योंकि हर एक खुचाए कराम के वास्ते हर एक सहूलत करी, उनको छोड़ जो उनको छोड़ने आती उनके वास्ते सहूलत करी, खाने का लंगर लगा कोई वॉलंटियर से लेकर हर एक चीज़ सहूलत सबको कर कोई, हर एक खाजी को सहूलत कर कोई। हमारा लगेज शिव वॉलंटियर रिच है, लगेज का बसा में आ जाएंगे, लगेज का जो भी है हमें जिम्मेदारी है, हमें उठा को रखना है और जो बस के अंदर बैगेज जाता है उसके हमें पूरा वॉलंटियर हर चीज का। हाँ, ये जमीर अहमद सर जो है उनकी तरफ से लंगर लगाए हुए हैं, पूरों को खाना, जो भी आएंगे हाजी के साथ उनको भी खाना मिलेगा, कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जा सकेगा। आपका नाम क्या है, क्या जिम्मेदारी है आपकी और कितने सालों से आप जो है यहाँ पर बहसियत रजाकार खिदमत करते हुए आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम हैदर अली खान और हमारे बाजू हमारे भाई वाजिद भाई, रफीक भाई, हमारा जसीम भाई, हमीद भाई और तमाम जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट से आते हैं। ट्रांसपोर्ट बोले तो खाली ट्रांसपोर्ट नहीं, हर जगह जहाँ पर हाजी की तकलीफ है, जहाँ हाजी को प्रॉब्लम हो रहा, जो कुछ भी हाजी अगर परेशान है तो उनको क्या है तो उनका तसल्ली देखो, बिठा को उनका क्या है जो काम तमाम पूरा हमें ये करके जो है सेटल करके भेजते हैं हाजी का क्या ये है काम उनका। क्या मकसद होता है आप अपना काम वगैरह छोड़? हमारा काम धंधा बिजनेस हम सब पूरा छोड़ को सिर्फ और सिर्फ हुज्जाज करम की खिदमत और अल्लाह की रजामंदी के लिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। पिछली दफ़ा आप लोग देखे होंगे कितने तकलीफ़ा हुए, हर चैनल वाला दिखाया वो ये फुल होगा, हाजम पूरे एक साथ आगे तब ये, उसके वास्ते क्या हुआ, इस बार ये सब नहीं होना। अगर को हमारे विजिट जमीर अहमद खान साहब और रहीम खान साहब बैठे एक महीना पहले चीफ मीटिंग करे, बारिश का मसला होता पुल को वाटर प्रूफ टेंटा लगाए और उसके बाद हाजियों को जरा सोने का इंतज़ाम नहीं और बचत के इंतजाम को भी इंतजाम गए बार नहीं था, ये बार सोने का इंतजाम करे और 150 बाथरूम पूरे वेस्टर्न शायद हमारे घर में भी नहीं रहते बाथरूम वैसे वही बेहतरीन बाथरूम का इंतजाम, वो ना होते हुज्जाज इकराम को तो खाने का इंतजाम हज कमेटी की तरफ से हुआ अपने जाती खर्च से। जमीर अहमद खान जो है 25,000 आदमी कोई भी उन्हें इसका रंधे रिश्तेदार के साथ हुबली धारवाड़ बेलगाम पूरे कर्नाटक इवन बेंगलुरु से भी आको जो है 3 टाइम नॉनवेज खाने का इंतजाम करे और तो और बेहतरीन खाने को गए, एक जना भी एक कंप्लेंट कौन भी बोलिया नहीं, पूरे दिल से जमीर अहमद खान को पूरे दुआ दे को गए और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का कैंप जो है पूरी इंडिया के वास्ते एक मिसाल, पूरी इंडिया के वास्ते की कहो तो इस तरह से कौन भी करते नहीं। भाती हाजियाँ का जरा जरा इंतजाम रहता, दूसरे जो पंप रिश्तेदार आते वाखा पड़ने को जाती, कुछ भी वाखा का नहीं हुआ, इत्मीनान से सोए खाए पिए और जो है दिल से दुआ देने को गए और हाजियाँ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हुआ, बेहतरीन से बेहतरीन जो है खाने का इंतज़ाम हुआ, बेहतरीन से बेहतरीन जो है जाने का इंतज़ाम हुआ, हाजी भी जो है दिल से दुआ देखो गए और जो है जितने भी लंगर में थे अल्हम्दुलिल्लाह सब लेडीज़ रंधे, जेंट्स रंधे, बच्चे रंधे, उन्हें कोसे तो भी गाँव से आंधे और बिल्कुल रात के 11-12 बजे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे खाने का इंतज़ाम कर को गए, शादी का इंतज़ाम है। और यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं जो रजाकार काम करते हैं उन्हें कुछ पेमेंट वगैरह दी जाती है? 1 रुपए का पेमेंट नहीं, कोई कौन तभी अगर पेमेंट दे रहा तो वो हमारे सामने ये करोगा ना, 1 रुपए का किसी को पेमेंट नहीं, अपनी जात से घर में होना तो उन्हें कम से कम ये करेगा, यहाँ हाजी के वास्ते कुछ भी करने के लिए तैयार 24/7। जहाँ ये तुम्हें टीम देख रही पूरे 24/7 रात की नींद नहीं, दिन का चैन नहीं, कहीं कहाँ हाजी का टाइम कहाँ शेड्यूल चेंज हुआ था कि कहाँ ये होता, अगर को ट्रैफिक जो है हमारे वाजिद भी ये ट्रैफिक पूरा ब्लॉक करती है, इधर का रोड ब्लॉक, इधर का रोड ब्लॉक, अलर्ट रहती है और माइक का सिस्टम करको ही और ये सभी जो है जनाब बीजेड जमीर अहमद खान की टीम हमारी पूरी उनके मातहत उनकी एक आवाज़ के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इन्हें शहीद साहब जो है लारियाँ का इंतजाम करती हैं।
और एक्स्ट्रा बसेस अगर कहते भी पड़ी तो उनके बसेस इन ड्रीम लाइन बोल को उनका एक्स्ट्रा बसेस के था। और रहीम खान साहब का क्या है तो वो हज कैम्प में जो है बस स्टैंड से हज आते थे, हजें के साथ उनके रिश्तेदार, तो वो रहीम खान साहब वहाँ से बसान देते ग्रीन कलर के बसेस येलो कलर के बसेस, वो बसेस में बिठा लेगा को वहाँ से उनकी खिदमत चालू थी। उसमें अल्लाह उनकी खिदमत को ये कर को आज जो तुम्हें देख रही है हजें की खिदमत का सिला अल्लाह क्या दिया अगर को आज उन्हें मिनिस्टर हो कोई तो वैसा यहाँ कौन भी खाली नहीं जाता। आप लोगों की खिदमत आप दिखा रही सही दिखा को आपको भी अल्लाह ताला हजें की दुआ मिलने के बाद आप चैनल वालों को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपका चैनल के भी टीआरपी भी बढ़ती है, आप लोगों का भी अल्लाह ताला मुकाम बढ़ता और हर एक वॉलंटियर भी कुछ ना कुछ उसे हासिल जरूर होता, कौन भी यहाँ से खाली नहीं जाता। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, कोई भी हज कैंप से सवाली वापस खाली नहीं जाता। अपने घर में शादी है कोई नहीं, नहीं नहीं अपने घर में अगर शादी है तो वहाँ भी देर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हज कमेटी में हाजियों के निकलने से पहले हाजियों के इंतजाम के लिए हाजियों के हर एक का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर अपने वक्त को फारिग कर अपने जान माल अपना खर्च करके आते हैं। यहाँ पर कोई एक रुपया किसी को मुआवजा नहीं मिलता, अगर कोई कहे कि मुआवजा मिल रहा है तो वो हमें सबूत दिखाए कि कौन मुआवजा दे रहा है, कोई मुआवजा नहीं है, अपनी खिदमत आखिरत के लिए कर रहे हैं, ये दुनिया का नहीं है, दुनिया में तो रहना है जाना है, आखिरत में हमारा अजर मिलेगा, हमें अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करेंगे, इसलिए कब्र में रोशनी होगी, हमारे आखिरत सवरेगी, बस उतना दूसरा का दुनिया का कोई मकसद नहीं है। देखो हमारे जसीम भी हैं, ये 150 किलोमीटर से आते हैं कोल्लेगल डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से यहाँ पर खिदमत के लिए पूरा 20-22 दिन यहाँ पर अपने वक्त को लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बोले तो हाजियों की खिदमत करने के लिए, हाजियों की खिदमत से क्या मिलता है लोगों को नहीं मालूम होता कि खिदमत करें, जैसा कि हमारे हैदर साहब बताए कि वो बसों को देते थे वो ट्रैवलिंग के लिए, हमारे रहीम खान साहब मिनिस्टर साहब आज मिनिस्टर बन गए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये वक्त भी आएगा कि हमारे जो हैदर साहब हैं ये जो है ना रोशन बेग साहब के ज़माने से खिदमत कर रहे हैं, माशाअल्लाह इतनी खिदमत कर रहे हैं कि ऐसा भी वक्त आया कि इनकी तबीयत ऐसी नासाज हो गई कि हमें सोच में पड़ गया कि ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसी तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये दो हैदर साहब हैं अपनी खिदमत अंजाम दिए। हम चाहते हैं कि हैदर साहब को भी हैदर साहब को कोई कोई पोस्ट मिले, क्योंकि वो खिदमत दिए हैं अपने घर बार को सबको छोड़कर, अपने वक्त को फारिग कर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आकर जो खिदमत करना ये कोई मामूली खिदमत नहीं है। यहाँ पर हमारे वाजी साहब हैं माशाल्लाह ट्रैफिक ऐसा संभालते हैं कि एक हाजी को भी तकलीफ नहीं होती, एक बस भी निकलने तकलीफ नहीं होती, जमाने से आज से नहीं है बहुत जमाने से ये ट्रैफिक का कंट्रोल कर रहे हैं माशाल्लाह। सब वॉलंटियर अपने अपने मुफाद कोई मुफाद नहीं है, अपने आखिरत बनाने के लिए यहाँ पर आकर वॉलंटियर खिदमत कर रहे हैं, इनकी खिदमत को आप लोगों में दिखाएं, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी करना, अल्लाह को राजी करने आ रही है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने, दूसरे किसी को नहीं। तो मेन गेट में आप खड़े हुए रहते हैं, मुश्किल का काम रहता है, नहीं काम जो है ना हमारी टीम जो है हैदर भी नसबी ना बुला को हमने एक महीना पहले प्रिपेयर करके बुला लेती, तुम्हारी टीम को रेडी कर लियो, तुम्हारी जरूरत है सख्त, 20-25 साल से ये काम कर रही इंशाल्लाह, और अल्लाह हमने ताकत दे जारी रहेगा, अल्लाह हमने तौफीक और ताकत दे बस। बताइए सर कहाँ से आते हैं? मेरा नाम मोहम्मद जसीम पाशा है, मैं एक्स चेयरमैन हूँ, मैं हमारे गाँव यानी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पे है, हर साल खिदमत में मैं 200 किलोमीटर दूर से आके इधर कितना दिन लगता उतना दिन भी इधर ही ठिकाना डालने का है। मैं बंडली बोल गया, हनूर ताल्लुक बंडली, खिदमत के लिए यहाँ पे आए तो फिर यहाँ से जाने का नहीं है, पूरा क्या हज क्याम ख़त्म करके ही जाना है, वो सोच के हमें पूरा बैग पैक करके लेके आ जाता है इधर माशाल्लाह। वो यहाँ से क्या क्या चलता है हमारे हैदर भाई, हमारे हेड हैं हैदर भाई ना, हमारे को इन्फॉर्म बार बार व्हाट्सएप में इन्फॉर्म करते रहते हैं, ऐसा इतने दिन के बाद कैम शुरू होने वाला है, आप ज़रूर इधर पे तशरीफ़ लाना है, हमें वही वैसा ही करते हैं जैसे हज कैम जब से शुरू हुआ है कम से कम 20-22 साल से हम खिदमत करते आए हैं, ये 20-22 साल से भी हमारे हैदर भाई की टीम जो है बहुत मेहनत पड़ रही है, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, किसी का एक पैसे का इधर फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इधर आते हैं। जी बताइए क्या नाम है आपका और कितनी खुशी हो रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम शुएब पाशा है, पिछले 23 साल से मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ रिसेप्शन काउंटर में,
जब रोशन बेग ने बुनियाद डाली थी है बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट में, तब से मैं यहाँ से खिदमत कर रहा हूँ। शुरुआत दादा साहब से हैराम बनने के लिए मेरे चिच्चा और दादा साहब के साथ करना शुरू किया। उसके बाद जब दादा साहब वफात हुए उनके बाद मैं रिसेप्शन काउंटर में कौसर भाई के साथ निसार खान साहब के साथ उनके साथ मैं अंडर काम करना शुरू किया, हाजियों की खिदमत करना शुरू किया। अल्लाह मेरी खिदमत को देख कर आज मैं अल्लाह के घर गुजारो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। दुआ सब वॉलंटियर्स के लिए है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या खिदमत होती है और कैसे ये लोग अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर आकर खिदमत करते हैं, जिलो जान से करते हैं। अल्लाह सब वॉलंटियर्स को हज की एक बार नसीब फरमाना, आमीन। आप जब हर साल जो है हाजियों को रवाना करते थे तो आपके दिल में भी अरमान थी आरती के उस पाक जमीन पर हम भी जाएं, हम भी जो है हाजी बने, तो आज ये मौका आपको मिल गया है। जी जरूर, बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसके कैसे मुमकिन हुआ ये सब, आप किसके साथ जा रहे हैं? मैं और हमारे घर के वाइफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। जरूर, जो सबसे दुआ है, क्या करते हैं पेशे से? क्या करते? मैं एक्सेंचर में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, तो पिछले 12-15 साल से वहाँ पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। सिर्फ इसकी वजह से मैं 15-20 दिन हॉलीडेज बचा के रखता हूँ, और जब ये कैंप शुरू होता है तब से मैं वो लीव्स अप्लाई करता हूँ और इसी के लिए वो लीव्स इस्तेमाल करता हूँ। हर साल पिछले 23 साल से मैं यहाँ पर खिदमत करता हूँ। क्या काम रहता है यहाँ पर आपका? यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर में मैं यहाँ पर जब भी हाजियों अंदर रिपोर्ट करते हैं, मैं यहाँ पर उनको अकोमोडेशन के लिए इंतज़ाम करता हूँ, उनका रहने का इंतज़ाम, उनका खाने पीने का इंतज़ाम, और हर तरीके के क्वेरीज जो भी हाजियों के पास रहते हैं वो क्वेरीज का जवाब देना हम लोगों के बस में है। तो आप जो खिदमत कर रहे हैं, काफ़ी सारे रजाकार यहाँ पर काम करते हैं, दिन और रात काम होता है यहाँ पर, उनके लिए आप क्या कह रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम आप दे रहे हैं? मैं यही कहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं, बस आप और अल्लाह जानता है इसका अजर क्या है, और दिलो जान से कीजिए, अता ख़यामत तक कीजिए, क्योंकि इसका अजर बहुत बड़ा है। अल्लाह इस खिदमत को कबूल करे। जो करता है उसी वही जानता है कि ये खिदमत क्या है। अल्लाह इन सब की खिदमत को कबूल करे, इन सब को ज़िंदगी में एक बार अल्लाह का घर हज नसीब फरमाए। तो आप एक जो है प्राइवेट कंपनी में एक बड़े ओहदे पर हैं आप जी, तो इस काम को, इस खिदमत को आप कैसे देखते हैं? जब भी हज का मौसम आता है और यहाँ पर आकर आप अपना वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर जो है इस वक्त यहाँ पर खिदमत करते हैं। मैं जो भी हूँ आज, मेरा यही मानना है कि मैं हाजियों की दुआ से यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं कहाँ रहता था मुझे नहीं पता है। बट आज जो भी मुझे कामयाबी मिली है, चाहे वो इलम के दुनियावी इलम से या दीनी इलम से या काम के तौर से जो भी तरक्की मिली है, वो हाजियों की खिदमत से कहीं ना कहीं मुझे इसका फैज पाया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह ने उसे उसका मेहमान बनाया है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबके लिए इंशाल्लाह दुआएं मांगो। इंशाल्लाह जरूर जरूर, इंशाल्लाह सबके लिए जरूर। एक वॉलंटियर रहे और उन्होंने जो है पिछले 23 साल से वो बता रहे हैं कि खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ने उनकी खिदमत को कबूल किया है माशाल्लाह। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ जरूर हो इंशाल्लाह। तो मैं सभी वॉलंटियर्स को और सभी ऑफिसर्स को, ये इस हज कैंप पे जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर प्रेस मीडिया वालों का भी, वो भी लोग बहुत ही इन्वॉल्वमेंट होके डेली न्यूज़ कवरअप करे हैं, और ख़ासकर जमीर भाई जो यहाँ पे लंगर लगाए हैं। तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखा हूँ कि कम से कम डेली 25-30 हज़ार लोग इतना रश से खाने का, बहुत ही अच्छा सा खाना, तो इससे बहुत ही सहूलत हो गई है। तो इसके लिए मैं जमीर भाई का भी और उनके साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर हमारे सीएम सिद्धरमैया जी आए थे यहाँ पे ओपनिंग के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के लोकल के एमएलए और मिनिस्टर कृष्णा भैरागौड़ जी भी थे, साथ थे। तो सभी एमएलए, एमपीस, सभी वीआईपीस, सभी मौलाना भाई लोग थे। तो यहाँ के सीओ सरफराज भाई है, और यहाँ के हज कमेटी के सभी मेंबर्स बहुत ही
कोऑपरेट करके बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए हैं, इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल सबसे भी मैं अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज्जाज उकरम जो हज के लिए गए अमन सुकून से गए। आज आखिरी फ्लाइट है, आज टोटल 51 फ्लाइट्स हज कैम्प के लिए अलाट हुए थे, उसके अंदर आज आखिरी फ्लाइट है। कोई बग़ैर तकलीफ़ के आज हज्जाज उकरम आसानी से हज के लिए पहुँचे। मैं अल्लाह मियाँ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके साथ साथ में हमारे ये कामयाब होने के लिए बग़ैर तकलीफ़ के हज्जाज उकरम को आसानी से पहुँचने का कारण मतलब हमारे हज कमेटी के वॉलंटियर्स, उनका भी मैं आपके माध्यम मुकांतरा उनका भी दिल की गहराई से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कस्टम डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बीबीएमपी वाले हैं, तमाम पूरे डिपार्टमेंट का भी मैं आपके माध्यम मुकांतर से उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे रऊफ साहब, रऊफ कचौरी साहब का भी, उनकी भी मेहनत बहुत है, उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे डिपार्टमेंट के सीईओ सफुला सरफराज खान साहब का और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी मनोहर जैन साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बग़ैर कोई तकलीफ़ के इस बार हाजियों को अल्लाह मियाँ सबको रवानगी किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। और मैं तमाम हमारे जितने भी हज कमेटी में हमारे स्टाफ जो भी काम किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब हम सरफराज खान साहब स्टाफ और पूरे मेंबर्स तो सब लोग बहुत अपना काम किए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो मैनेजर्स काम किए हैं उन लोग भी बहुत काम किया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीजेट जमीन अहमद खान साहब जो लंगर लगाए थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया वाले खासतौर पर मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।